हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फॉर क्लास फर्स्ट दिस इज़ योर थर्ड लेक्चर ऑफ नाइन्थ चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आपका टॉपिक है आई एंड यू, ठीक है। टिक द राइट आंसर, आपको इसमें राइट आंसर पे टिक करना है। जैसे कि आई या यू, एम ए न्यू स्टूडेंट, तो आपको इसमें आई एम ए न्यू स्टूडेंट, ओके। फिर आपको बताना मे आई या यू बोरो योर पेंसिल मीता, नो अनीता गेव आई यू ये पेंसिल रवि, आपको इस पर आई या यू या आई या यू पर टिक करना है, ओके। उसी तरीके से देखिए विल यू आई यू या आई कम फॉर माई बर्थडे सुनीता, यस आई या यू विल किस पर टिक करना है, एक मैंने आपको बताया था। हेलो हाउ आर यू आई सीमा, आई यू एम फाइन हाउ आर यू अली, तो आपको इसमें बताना है कि इस पर आपको आई पे टिक करना है कि यू में टिक करना है। सेम वैसे डू यू आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, क्योंकि इसमें यूज ही आई और यू का है तो इसमें आपको आई और यू पे ही टिक करना है, ओके। और मैंने आपको एक समझा दिया है कि इसमें बताया गया था ना, जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था तो बताया कैसा था, आई के साथ हमेशा किसका एम आता है और यू के साथ हमेशा आर यूज होता है, ओके। और आई हमेशा हम अपने लिए यूज़ करते हैं एक पर्सन के लिए, और यू हमेशा हम अनदर पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, ओके। ये आज आपका लेक्चर थर्ड कंप्लीट हो गया है, और आप इसको करने की होमवर्क में आप इसको करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज आपको इसकी इमेज मिल जाएगी। और चैप्टर 9 आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू क्लास।